तो यार दोस्तों, MS धोनी की नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सैटरडे 18 मई को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में RCB ने CSK को 27 रन से हरा दिया। मैच में CSK को जीतने के लिए 219 रन का टारगेट था, बट RCB को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए CSK के खिलाफ मिनिमम 18 रन से जीतना जरूरी था। यानी CSK 201 रन भी बना लेती तो वो प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर जाती। मगर RCB के फास्ट बॉलर यश दयाल ने लास्ट ओवर में डेंजरस बॉलिंग करते हुए 5 बार की चैंपियन टीम CSK का ड्रीम डिस्ट्रॉय कर दिया। मैच खत्म होने के बाद का इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डगआउट से CSK की पूरी टीम लाइन लगाकर ग्राउंड की ओर जा रही थी। सबसे आगे MS धोनी थे, लेकिन RCB के सारे प्लेयर सेलिब्रेशन करने में बिजी थे। ऐसे में येल्लो आर्मी को उनसे हैंडशेक करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा था। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद माही ने ड्रेसिंग रूम में लौटने का डिसीजन लिया। वापस लौटते वक्त थाला ने RCB के सपोर्ट स्टाफ एंड बेंच प्लेयर के साथ हैंडशेक किया। ग्राउंड पर धोनी के ना दिखने पर विराट कोहली पीछे पीछे उनसे मिलने ड्रेसिंग रूम में चले गए। इसी सिलसिले में बात करते हुए हर्षा बोगले बोले, मैंने इस तरह की चीजें देखी है। आपने वर्ल्ड कप फाइनल खेला और उसके बाद आपने इमोशन दिखाया, लेकिन इसके बावजूद सभी प्लेयर ने हाथ मिलाया था। हाथ मिलाना हमारे स्पोर्ट्स की सबसे महान चीज है। RCB के प्लेयर को फर्स्ट हैंडशेक करना चाहिए था, फिर उसके बाद उनके सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए था। इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइकल वॉन ने कहा, अगर ये धोनी का लास्ट मैच है और आज के बाद वो कभी IPL में बतौर प्लेयर नहीं आएंगे तो उनके विकेट का सेलिब्रेशन भी नहीं मनाना चाहिए था। तो यार दोस्तों, आप इस हैंडशेक कंट्रोवर्सी में किसको सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही IPL से जुड़े अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।